हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एसआर। और फ्रेंड्स, आज से कुछ ही दिनों पहले फोर्ब्स ने अपने टॉप 10 हाईएस्ट पेड यूट्यूब स्टार्स की लिस्ट को पब्लिश किया है। और फ्रेंड्स, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में यूट्यूब से सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला एक 9 साल का बच्चा है और वो लगभग सालाना 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई करता है। तो फ्रेंड्स, बाकी इस लिस्ट में कौन कौन से यूट्यूब स्टार्स है एंड उनके इनकम के बारे में जानने के लिए और आपके समय का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, जेफ्री स्टार। जेफ्री लाइन स्टैनिंगर जूनियर, जिन्हें ज्यादातर जेफ्री स्टार के नाम से जाना जाता है, 35 वर्षीय अमेरिकन एंटरप्रेन्योर, मेकअप आर्टिस्ट, यूट्यूबर, सिंगर एंड जेफ्री स्टार कॉस्मेटिक्स के फाउंडर एंड ओनर है। इनका जन्म 15 नवंबर 1985 यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। बात करें उनके चैनल की तो उन्होंने अपने चैनल पर टोटल 16.9 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं। फोर्ब्स के मुताबिक कि इस साल की एस्टिमेट अर्निंग टोटल 15 मिलियन डॉलर यानी लगभग 110 करोड़ इंडियन रुपीस है। 15 मिलियन डॉलर्स अर्निंग के साथ जेफ्री स्टार फोर्ब्स की इस लिस्ट में 10वें नंबर पर आते हैं। नंबर 9, डेविड डॉब्रिक। डेविड डॉब्रिक एक 24 वर्षीय स्लोवाक ब्लॉगर है। इनका जन्म 23 जुलाई 1996 स्लोवाकिया में हुआ था। बात करें उनके चैनल की तो उन्होंने अपने चैनल पर टोटल 18.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं। अब बात करें उनके इनकम की तो फोर्ब्स के मुताबिक इस साल की एस्टिमेट अर्निंग टोटल 15.5 मिलियन डॉलर यानी 114.3 करोड़ इंडियन रुपीस है। 18.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स 15.5 मिलियन डॉलर्स इनकम के साथ डेविड डॉब्रिक फोर्ब्स की इस लिस्ट में 9वें नंबर पर आते हैं। नंबर 8, स्टीफन जॉन ग्रॉसमैन, जिन्हें ज्यादातर स्टीफन जॉन ब्लिपी के नाम से जाना जाता है, 27 वर्षीय अमेरिकन चिल्ड्रंस एंटरटेनर एडुकेटर है। उनका जन्म मई 27, 1988 वाशिंगटन में हुआ था। बात करें उनके चैनल की तो ये बेसिकली कई सारे चैनल्स हैं। उनमें से 3 के मेन चैनल्स पर 17.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। बात करें उनकी इनकम की तो फोर्ब्स के मुताबिक कि इस साल की एस्टिमेट अर्निंग 17 मिलियन डॉलर्स 126 करोड़ इन रुपीस है। 170 मिलियन डॉलर इनकम के साथ लिपी फोर्ब्स की इस लिस्ट में 8वें नंबर पर आते हैं। नंबर 7, लाइक नेस्टिया YouTube चैनल की क्रिएटर का नाम है एनेस्थेसिया रेजिंस्काया, जिन्हें ज्यादातर नेस्टिया के नाम से जाना जाता है। 6 वर्षीय रशियन अमेरिकन यूट्यूबर है, जिनका जन्म 27 जनवरी 2014 रशिया में हुआ था। नेस्टिया अपने यूट्यूब चैनल पर चिल्ड्रंस कंटेंट अपलोड करती है। और बात करें सब्सक्राइबर्स की तो नेस्टिया ब्लिपी की तरह ही कई सारे चैनल्स को ओन करती है और सबको मिलाकर उनके चैनल्स पर टोटल 90.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। बात करें उनकी इनकम की तो फोर्ब्स के मुताबिक उनकी इस साल की एस्टिमेट अर्निंग 13.5 मिलियन डॉलर्स यानी 137 करोड़ इंडियन रुपीस है। 18.5 मिलियन डॉलर्स अर्निंग के साथ नेस्टिया फोर्ब्स की इस लिस्ट में 7वें नंबर पर आती है। नंबर 6, आर्समेंट, जिन्हें ज्यादातर प्रेस्टन के नाम से जाना जाता है, 26 वर्षीय गेमर है। उनका जन्म 4th मई 1994 टेक्सास में हुआ था। बात करें उनके चैनल की तो वो भी बाकियों की तरह ही कई सारे चैनल्स को ओन करते हैं। उनके मेन चैनल्स को मिलाकर उन्होंने टोटल 3.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं। बात करें उनकी इनकम की तो उसके मुताबिक उनकी इस साल की एस्टिमेट अर्निंग 19 मिलियन डॉलर्स 140 करोड़ इंडियन रुपीस है। 19 मिलियन डॉलर्स इनकम के साथ आर्समेंट की इस लिस्ट में 6 नंबर पर आते हैं। नंबर 5, मार्किप्लियर मार्क एडवर्ड फिशबर्ग, जिन्हें ज्यादातर मार्किप्लियर के नाम से जाना जाता है, 31 वर्षीय अमेरिकन यूट्यूबर, गेमर, कमेंटेटर, एक्टर एंड कॉमेडियन है। इनका जन्म 28 जून 1989 हवाई यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। बात करें उनके चैनल की तो आज की तारीख में उनके चैनल पर टोटल 27.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। बात करें उनकी इनकम की तो फोर्ब्स के मुताबिक उनके इस साल की एस्टिमेट अर्निंग 19.5 मिलियन डॉलर्स यानी 144 करोड़ इंडियन रुपीस है। 19.5 मिलियन डॉलर्स अर्निंग के साथ मार्किप्लियर फोर्ब्स की इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं। नंबर 4, रैट एंड लिंक, रैट मैकवाकलिन एंड चार्ल्स लिंकन नील 3, जिन्हें ज्यादातर रैट एंड लिंक के नाम से जाना जाता है, अमेरिकन कॉमेडियन, एक्टर, म्यूजिशियन, इंटरनेट एंटरटेनर है। इनमें से रैट का जन्म 11th ऑफ अक्टूबर 1977 जॉर्जिया यूएस में हुआ था। लिंक का जन्म 1st जून नॉर्थ कैरोलिना यूएस में हुआ था। बात करें उनके चैनल्स की तो के चैनल्स पर 41.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। बात करें उनकी इनकम की तो उसके मुताबिक उनकी इस साल की एस्टिमेट अर्निंग 20 मिलियन डॉलर्स यानी 147 करोड़ इंडियन रुपीस है। 20 मिलियन डॉलर्स अर्निंग के साथ रैट एंड लिंक फोर्ब्स की इस लिस्ट में 4th नंबर पर आते हैं। नंबर 3, डूड परफेक्ट एक अमेरिकन स्पोर्ट्स एंड कॉमेडी ग्रुप है। इसके फाउंडर्स एंड ओनर्स का नाम है एलर टोनी, बी कॉटन, कोडी कॉटन, कोडी जोन्स,
गैरेट हिल्बर्ग। बात करें उनकी यूट्यूब चैनल की तो आज की तारीख में उनके चैनल पर टोटल 54.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। बात करें उनकी अर्निंग की तो फोर्ब्स के मुताबिक उनकी इस साल की एस्टिमेट अर्निंग 23 मिलियन डॉलर्स यानी 170 करोड़ इंडियन रुपीस है। 23 मिलियन डॉलर्स अर्निंग के साथ डूड परफेक्ट फोर्ब्स की इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं। नंबर 2, मिस्टर बीस्ट जिमी डोनाल्डसन, जिन्हें ज्यादातर मिस्टर बीस्ट के नाम से जाना जाता है, 22 वर्षीय अमेरिकन यूट्यूबर है। इनका जन्म 7th में 1998 कैंसस यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था। बात करें उनके चैनल की तो आज की तारीख के चैनल पर टोटल 8 बिलियन व्यूज 48.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। अब उनके अर्निंग के बारे में बात करें तो फोर्ब्स के मुताबिक इस साल की उनकी एस्टिमेट अर्निंग 24 मिलियन डॉलर्स यानी 177 करोड़ इंडियन रुपीस है। 24 मिलियन डॉलर्स अर्निंग के साथ मिस्टर बीस्ट फोर्ब्स की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं। नंबर 1, रियान काजी। रियान काजी एक 9 वर्षीय अमेरिकन यूट्यूबर है। पिछले 3 सालों से टॉप हाईएस्ट पेड यूट्यूब स्टार की लिस्ट में टॉप में आते हैं। उनका जन्म 6 अक्टूबर 2011 यूएसए में हुआ था। और आप बात करें उनके चैनल्स की तो रियान अपने चैनल्स पर रिसेंट गेम्स रिव्यू वीडियोस अपलोड करते हैं। आज की तारीख में वे उनके चैनल्स पर टोटल 41.7 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। और बात करें उनके अर्निंग की तो फोर्ब्स के मुताबिक कि इस साल की एस्टिमेट अर्निंग 29.5 मिलियन डॉलर्स यानी 218 करोड़ इंडियन रुपीस है। 29.5 मिलियन डॉलर्स अर्निंग के साथ रियान काजी फोर्ब्स की इस लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो जरा से भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लगी हाथ तो कमेंट करके ये बताइए कि आपका फेवरेट क्रिएटर कौन है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ।